Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, question 4 पर चलते हैं. तो question 4 में हमें दिया है, find the mean and the standard deviation using shortcut method. Shortcut method लगा के हमें mean निकालना है और standard deviation. तो mean के लिए यहाँ पे आप चाहें तो step deviation method या assume mean method लगा सकते हैं. Standard deviation के लिए shortcut method मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, xi और fi जो मुझे दी हुई है क्वेश्चन में वो राइट डाउन कर लेता हूँ. सर यहाँ पे रेस्पेक्टिव xi दीज आता xi यानी कि मिड वैल्यूज जो कि ऑलरेडी मुझे दी हुई है और इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज मैं यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पर लिख देता हूँ. कैलकुलेशन से इसका सम कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, तो सम कितना आ रहा है 100 आ रहा है. अब मैं यहां पर क्या निकाल देता हूं, di निकालता हूं. अब di यानी कि डेविएशन, डेविएशन के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कोई ना कोई मीन. तो मैं यहां पर ले लेता हूं एज्यूम a इज इक्वल टू 64 मैं ले लेता हूं. तो यानी di निकालने के लिए हर एक xi में से आप क्या करेंगे, di के लिए हर एक xi में से आप a यानी कि 64 को ये क्या करेंगे माइनस करेंगे. तो ये आप निकालेंगे, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो आप यहाँ पे निकालिए 60 में माइनस 64 करेंगे माइनस 4 एंड 61 में से जब 64 करेंगे माइनस 3 देन माइनस 2 एंड सो ऑन माइनस 1 ये आ जाएगा. स्टूडेंट यहां पर मैं di का स्क्वायर भी निकाल देता हूं. क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था वहां di स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी. साथ साथ में di स्क्वायर की भी क्या बना लेता हूं, एक कॉलम बना लेता हूं. तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई. अब मुझे यहां पर मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं यहां पर क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है. नाउ अब यहां पे एफ आई और डी आई की जरूरत पड़ेगी आपको. तो अब आप रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को डी आई से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी कॉलम बन जाएगा. मैंने ऑलरेडी यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं. 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 में करेंगे माइनस 8, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे माइनस 3 एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई एंड इनका समेशन भी आप करेंगे यानी सिग्मा एफ आई डी आई जो कि कितना आएगा 0. तो ये हमारी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ आई डी आई, ये 0 आ रही है. अब इस वैल्यू को आप पुट कीजिए मीन के फॉर्मूले में और पुट करने के बाद 64 आपका ए एज्यूम मीन देन ये 0 आया अपॉन में सिग्मा एफ आई 100 आया, तो आपका मीन कितना आ गया 64 आपका मीन आ गया. अब जरा स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं. स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला जो था ये फॉर्मूला यानी कि अंडर रूट एन इंटू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई कराएंगे फ्रीक्वेंसी के डी आई स्क्वायर से उसका समेशन माइनस एफ आई डी आई का समेशन और उसका स्क्वायर करें अपॉन में एन, एन जो आपके यहाँ पर सिग्मा एक्स एफ आई, एन यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ आई जो कि 100 है. तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करानी है एफ आई की डी आई स्क्वायर, तो एक और कॉलम बनेगा एफ आई डी आई स्क्वायर का. पहला एफ आई कितना है 2 की डी आई स्क्वायर 16 में करेंगे तो 32, सेम 1 की किस में होगी 9 में तो 9 एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली. आप यहां मल्टीप्लाई कराना है, दिस 2 की कराई आपने 16 में, 1 की कराई 9 में, 12 की कराना है 4 में एंड सो ऑन, आप ये रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई आपको मिल रहा है स्टूडेंट. और अब इसका समेशन करेंगे तो समेशन क्या आएगा 286. ये समेशन किसका आया 286, ये आया सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर इसका आया. फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूं. दिस एन का कितना आया 100, एफ आई डी आई का स्क्वायर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कितना आया 286, देन एफ आई डी आई कितना आया था हमारा 0, 0 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडिंग बाय 100 एन जो. कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने पे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28600 अपॉन में 100 और ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे 169.1 या है स्क्वायर रूट ऑफ 28600 डिवाइडिंग बाय 100 और 100 से डिवाइड करने के बाद 1.69 ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इस क्वेश्चन.